उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के आठवें दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और सपा विधायक जवाहिद बैग सदन से मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सपा ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है। जितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी उनसे सपा के रिश्ते जग जाहिर होंगे। अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया गया है। ऐसे अपराधियों के साथ सपा का संबंध उजागर हो रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके साथ ही सपा महासचिव शिवपाल यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था को ध्वस्त भी बताया और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जग जाहिर हो जाएंगे। इन्होंने सदैव अपराधियों का संरक्षण किया है, अपराधियों को बढ़ावा दिया है, अपराधियों को राजनीति लाने का काम किया है। इन अपराधियों के कारण से एक तरह से उत्तर प्रदेश में एक विधायक के हत्यारे के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उसकी जिस प्रकार से दिन दहाड़े सरकार ने उनको सुरक्षा भी दे करके रखी थी, उमेश पाल जी को मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ। वह एक संघर्ष और बहुत सामाजिक व्यक्ति थे और पिछले काफ़ी समय से भाजपा से वो जुड़े थे। दो पकड़े गए तो और भी तो हैं, और उनका भी तो गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। आपने बताया कि योगी सरकार गलत बयानबाजी करके 46 पे 56 तो काम करेंगे, ये जनता को गुमराह करने का। आज मुस्लिम की बात नहीं है, पिछड़ी जाति के लोग और अल्पसंख्यक ब्राह्मण जो वो कानपुर के अंदर जला दिया जाता है, किसी एक की बात नहीं है। आज हर वर्ग